है hey गाइस कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया ऑटो व्लॉग्स सो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 2022 ट्वेंटी टू महिंद्रा स्कॉर्पियो के बेस वेरिएंट के इंटीरियर्स की ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं जाता लें, लें इस पर ज़्यादा रश लेन क्रैश लेन को जिन्होंने इस इमेज को कैप्चर किया और हम लोग शेयर किया ये जो इमेजेस हैं वो सामने आई हैं जब 2022 ट्वेंटी का एक्सीडेंट हो जाता है अहेड ऑफ लॉन्च जो कि एक टेस्ट म्यूल था यहाँ पर आप इस इंटीरियर के अंदर देख सकते हैं जो सबसे बड़ा हाईलाइटेड चीज है वो है इसका स्टेयरिंग व्हील ये बेस वेरिएंट है और अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो इसके वाइपर्स एंड वॉशर्स हैं रियर वाइपर हमें बेस फेर के अंदर भी मिल जाएगा क्योंकि उसके जो टाइमिंग स्विच और उसको अप एंड डाउन के जो फीचर है कितनी स्पीड में उसको रन करना है मीडियम लो एंड फास्ट वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं विद वॉशर एंड जो फ्रंट वाइपर्स हैं उसके भी कंट्रोल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो इसका सेंटर कंसोल है यहाँ पर जो पूरा यूनिट का स्पेस एंटरटेनमेंट डिस्प्ले का वो खाली है रीजन बीइंग कि जो शॉर्टेज है सेमीकंडक्टर चिप कि उसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं लगाया गया आपने देखा होगा कि जो न्यू थार्स भी अभी डिलीवरीज दी जा रही है उसके अंदर भी एनफर्टेनमेंट डिस्प्ले नहीं दिया जा रहा है वो जैसी आएगा उसके बाद आ, कस्टमर्स को बुलाकर वो लगाया जाएगा इसलिए यहाँ पर भी नहीं देखा जा सकता है बट इसके अंदर एनफर्टेनमेंट डिस्प्ले देखा जाना है जो कि इसके बेस फ्रेंड के अंदर भी आएगा वो कौन सा आएगा वो अभी तक यहाँ पर क्लियर अप नहीं हो रहा है थर्ड चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका गियर नॉब जो कि ऑल ब्लैक में मिलता है कहीं पर भी आपको बेस वेरन में सिल्वर एसेंट्स का वर्क नहीं दिया गया एज एन हाईलाइटेड चीज के लिए अगर आप इसका हैंड ब्रेक देखते हैं तो वो भी कन्वेंशनल ही है दो आपको कपोल्ट मिल जाते हैं आमरेज बेस वेरन के अंदर भी मिल जाता है सीट्स अगर आप देखेंगे तो फैब्रिक सीट्स है जिसके ऊपर वाइट स्टिचिंग की गई है डार्क कुछ शेड आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है नेक्स्ट चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका स्टेयरिंग व्हील जहां पर आपको सिल्वर एसेंट्स का वर्क मिल जाता है डीगट स्टाइल स्टेयरिंग व्हील यहां पर मिलेगा जो कि आपको एक साइड मिलते हैं ऑडियो कंट्रोल्स जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं एंड दूसरी साइड आपको मिल जाते हैं इसके क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन जो कि बेस वेरियंट के अंदर भी मिलेगा साथ ही जो एम है उसको आपको एक्सेस करने के लिए स्टेयरिंग व्हील पर ही बटन्स दिए गए हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप का भी ऑप्शन को यहां पर दिया गया है नेक्स्ट नोटेबल चीज यहां पर मिलती है इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर आरपीएम मीटर वो आपको एनालॉग में मिलता है एंड साइड में आपको मिल जाती है एक डिस्प्ले जो कि एमआईडी के लिए है सेमी डिजिटल ओवरऑल आपको यहां पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है अभी एम कितने इंचज की है वो यहां पर देखकर स्पेसिफिकली नहीं पता चलता है बट काफी ज्यादा अमेजिंग है कि बेस फेर के अंदर आपको इतनी बड़ी एम भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है साथ ही आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो की है वो आपको मिलती है जो फ्लिप की अवेलेबल दी गई है वो आपको यहां पर मिल जाती है आप यहां पर देख सकते हैं कि की अभी यहां पर लगी हुई है और काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रही है और जो इसके एसी वेंट्स हैं वो आपको वर्टिकली प्लेस मिलते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइट है उसका लेवलिंग स्विच भी इसी के नीचे गिवन कर गया है सो ओवरऑल ये हाइलाइट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं स्कॉर्पियो ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बेस फेरेंड के अंदर सो ये मैंने आप लोगों को अपडेट देना था आपको इसका इंटीरियर कैसा लगा जो अभी तक हाईलाइट पता चलिए काफी ज्यादा जो अमेजिंग चीजें हैं नई नई जो फीचर्स हैं वो हमें बेस फेरेंट के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं सो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका बेस फ्रेंड का इंटीरियर कैसा लगा साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ टिल देन टेक केयर बी सेफ एंड बाय